वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आल इन वन 2.0। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा फ्रेंड्स, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, इंट्रोडक्शन इसका दूंगा, आइडेंटिफी, एग्जाम्पल, सारी चीज़ें, और एग्ज़ाम में कैसे आता है 11th 12th में, और कॉम्पिटिशन में भी कैसे आता है वो भी बताऊँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को फुल देखें एंड तक, और साथ ही फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ इसके बारे में बताता हूँ कि इसकी पहचान क्या है, हाउ टू नो दिस इज टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस और अदर टेंसेस। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है फ्रेंड्स, तो ये है कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में थ्री वर्ड्स आते हैं फ्रेंड्स, गा, गी और गे। कौन कौन से फ्रेंड्स? गा, गी, गे, ये थ्री वर्ड्स आते हैं, और वो भी किसी भी सेंटेंस है हिंदी का फ्रेंड्स, वाक्य जो उसके एंड में आते हैं, यानी कि लास्ट में आते हैं फ्रेंड्स। कहाँ पे आते हैं ये वर्ड्स? लास्ट में आते हैं। तो वी नो दैट दिस इज फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, ओके, ये एक तरह से इसकी स्पेशल खास पहचान है। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसको आगे हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आई और जो बी, यानी कि एक तरह से मैं आपको कहूँगी सब्जेक्ट्स जो हैं आई और बी, तो इनके साथ में फ्रेंड्स शैल आता है, SHALL, और जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं है ना, अदर जैसे कि यू है, ही है, शी है, या फिर नेम है, नेम है, तो इनके साथ में क्या आता है फ्रेंड्स? विल आता है। क्या आता है फ्रेंड्स? विल आता है, ओके, शैल और विल। और इनके बाद जो मेन वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है। किस में आती है फ्रेंड्स? फर्स्ट फॉर्म में। तो एक तरह से मैं आपको एक तरह से एक सिंपल का फॉर्मूला बता देता हूँ है ना, सिंपल का फॉर्मूला। तो सबसे पहले यही सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट, सॉरी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये शैल या विल। कौन कौन से फ्रेंड? शैल या फिर विल। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फ्रेंड्स अदर वर्ड। ये एक तरह से स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला है सिंपल टेंस बनाने का, फ्यूचर इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस बनाने का। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे वह गीत गाएगी, वह गीत गाएगी, तो लड़की है तो यहाँ पे सी आ जाएगी, और सी के साथ विल आता है तो आप विल लगा दीजिए यहाँ पर, फिर गाएगी, गाएगी यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर सिंग, और गीत गाएगी यानी कि सॉन्ग, ओके। वन मोर एग्जांपल, तुम पुस्तक खरीदोगी, तुम पुस्तक खरीदोगी। ये सब फ्रेंड्स लास्ट पे आ रहा है, इससे हमको पता चलता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू, यू के साथ भी विल आता है, विल लगा दिया। खरीदना काय मिस होता है फ्रेंड्स? बी यू, बाय, बाय मिस खरीदना, तो बाय लग गई। अब पुस्तक है जो कि ऑब्जेक्ट है, तो लास्ट पे लगाते हैं हम इसको, तो ये लास्ट पे लग गई बुक। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स ये सिंपल टेंस होता है हमारा, और आई होप आप नोट करते चल रहे होंगे। अगर आप नोट कर नहीं कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को पॉज कर लीजिए, और या फिर ऑफलाइन डाउनलोड कर लेना, उसके बाद नोट कर लेना। तो मैं इसको फ्रेंड्स इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में भी जानकारी देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है और इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले मैं नेगेटिव का देख लेता हूँ, जिसमें नेगेटिव फ्रेंड्स अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जिसमें नहीं शब्द आ जाता है वो नेगेटिव कहलाता है। कौन सा? नेगेटिव, नहीं शब्द आ जाए, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में विल नॉट या फिर शैल नॉट। उसके बाद सेम थिंग, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। एग्जांपल, मैं आम नहीं
बेचूंगा, मैं आम नहीं बेचूंगा, तो मैं की अंग्रेजी आई और आई के साथ यहाँ पे सेल आता है, तो सेल, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेल के साथ में नहीं बर्ड लगा है तो नॉट आ जाएगा, तो आई शैल नॉट बेचना, शैल मीन्स बेचना होता है, फर्स्ट फॉर्म लगाना, ना ही आई एन जी फॉर्म, ना ही सेकंड ना थर्ड फॉर्म, कोई नहीं, ओनली फर्स्ट फॉर्म, तो आई शैल नॉट सेल। और ये ऑब्जेक्ट जो सेंटर में दी हुई चीज़ है, बीच में दी गई ये चीज़ है आम, आम की होती है फ्रेंड्स मैंगो, क्या होती है फ्रेंड्स एम ए एन जी ओ मैंगो। तो इस हिसाब से एक एग्जांपल और देख लेते हैं, हम फिल्म नहीं देखेंगे, तो हम की होती है फ्रेंड्स वी, और वी के साथ भी फ्रेंड्स सेल आता है, तो शैल, अब जब इसमें नॉट वर्ड यूज़ किया गया है तो नॉट के लिए हम ये नहीं वर्ड्स के लिए न्यू नॉट का यूज़ कर लेते हैं। अब देखना तो वॉच भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, और आप शी भी लगा सकते हैं, बट यूज़ ओनली वन, एक ही यूज़ करना है, शी या वॉच, मैंने यहाँ पर दोनों ऐड कर दी हैं। उसके बाद फिल्म की फिल्म ही होती है, तो फिल्म की फिल्म लगा देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव का बताता हूँ, आप फ्रेंड्स नोट करते जाएं, क्योंकि दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और अदर 11th 12th और स्मॉल क्लासेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में फ्रेंड्स क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो एग्जांपल भी देखते हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव अगर फ्रेंड्स आपको नहीं आता है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ, शुरुआत में क्या शब्द आता है हिंदी में, किसमें फ्रेंड्स हिंदी में क्या जो शब्द है वो स्टार्टिंग पे आता है, जैसे कि यहाँ देख लीजिए आप, क्या तुम कपड़े बेचोगे, क्या तुम कपड़े बेचोगे, इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है, क्या तुम कपड़े बेचोगे, तो क्या की अंग्रेजी ऑलरेडी बता चुका हूँ, लगने नहीं है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब लगनी है, वो भी सब्जेक्ट को देखकर, ना कि ऐसे ही कुछ भी लगा दें आप। तो तुम के साथ में ऑलरेडी आप देख लो, तुम के साथ विल आती है, तो यहाँ पर विल लगाओ, फिर तुम की अंग्रेजी यू, विल यू, अब बेचना की सेल होती है तो सेल, और कपड़े की सी एल ओ टी एच एस क्लॉथ, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस हिसाब से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या मैं भोजन पकाऊंगा, क्या मैं भोजन पकाऊंगा, तो क्या की अंग्रेजी आपको लगानी है इसके हिसाब से, शैल आती है, शैल आई पकाना फ्रेंड्स, शैल आई कुक्ड फूड, शैल आई कुक्ड फूड, तो इस हिसाब से ये बनाना है, ठीक है। अब मैं आगे इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लें। अब फ्रेंड्स जो हमारा लास्ट है वो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा है, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या क्यों कब, ये जो वर्ड्स हैं ये बीच में आते हैं हिंदी के सेंटेंस में, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन्हीं की अंग्रेजी लगानी पड़ती है, इनको बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, क्या बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जो हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल होती है, विल या शैल। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगानी है, डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और जो लास्ट पे है वो है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए मैं एग्जांपल देखता हूँ कैसे,
पहला एग्जांपल है, मैं भोपाल कब जाऊंगा क्वेश्चन मार्क। तो कब की अंग्रेजी हमको यहाँ सबसे पहले ऐड कर देनी है व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देख लो विल या शैल में से कुछ एक आएगी, देख लो यहाँ शैल आ जाएगी, आई के साथ शैल आती है, व्हेन शैल आई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब यानी जाना की गो और टू के बाद टू और उसके बाद भोपाल और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। एक एग्जांपल और, तुम आम क्यों खरीदोगे या बेचोगे, आप कुछ भी लिखने लगा है, खरीदोगे ये क्वेश्चन मार्क है। तो क्यों की अंग्रेजी हमको यहाँ सबसे पहले ऐड करनी है वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद खरीदना की होती है बी यू बाई बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमको क्या लगाना है यानी जो चीज़ है मैंगो, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो इस हिसाब से ये चौथा स्ट्रक्चर भी हमारा कंप्लीट होता है, चार ही होते हैं सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये टेंसेस हैं, अगर आपको इसमें भी कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपके डाउट को आपकी कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा, और अगर आप और भी किस प्रकार की वीडियोज चाहते हैं आप हमसे तो वो भी कमेंट बॉक्स में कर दें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग कीप लाफिंग, थैंक यू।